जिले के कचहरी गेट से सामाजिक परिवर्तन मंच के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जनसभा का आयोजन किया गया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। वर्तमान की केंद्र सरकार से एक समान शिक्षा के लिए मांग का प्रस्ताव पास कर महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया। जी हां, आपको बता दें कि बांदा जिले के कचहरी गेट पर आज सामाजिक परिवर्तन मंच के तत्वाधान में माननीय दद्दू प्रसाद राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक परिवर्तन मंच एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री की अगुवाई में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दराज से ग्रामीण लोग आए थे। बालाजी लेकर अंबेडकर पार्क से प्रमुख चौराहे होते हुए पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सामाजिक परिवर्तन मंच के राष्ट्रीय संयोजक दद्दू प्रसाद ने कहा कि हम चाहते हैं कि समान शिक्षा के मूल अधिकार को लागू किया जाए, मिड डे मील योजना तत्काल बंद की जाए और यह धनराशि सीधे बालकों के अभिभावकों के खाते में भेजी जाए, एजुकेशन नीति लागू की जाए, अफसर हो या मजदूर, किसान सब की हो शिक्षा एक समान, इस संबंध में सरकार विधि का निर्माण करे, अमीर और गरीब का बेटा सभी एक साथ पढ़े, इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या 600 से बढ़ाकर 1,00,000 की जाए, शिक्षा का बजट 3% से बढ़ाकर 25% की जाए, मिड डे मील योजना तत्काल बंद की जाए। बांदा कचहरी गेट पर धरना की जनसभा को दिल्ली से चलकर आए डेमोक्रेटिक बहुजन के राष्ट्रीय संयोजक कमल किशोर कठोरिया व पूर्व राज्य मंत्री राजा राम आनंद अलीगढ़ व पूर्व मंत्री बशीरुद्दीन खां हमीरपुर चित्रकूट से चलकर आए। मोस्ट युवा जागृति संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश बौद्ध व बौद्ध धर्म के प्रखंड विद्वान पूज्य भंते सुमित रतन से संबोधित किया। देश में एक समान शिक्षा लागू करने का आह्वान किया गया। लगभग हजारों लोगों ने नारे लगाते हुए एक समान शिक्षा लागू करने की नीति को समर्थन किया। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज किस चीज का धरना कर रहे हैं? ये जो है वित्त मंत्री द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा जो तानाशाही पूर्ण रवैया किया जा रहा है, उसके सापेक्ष में हमारा जो है नवम्बर 17 से बेज रिविजन पड़ा हुआ है और ये बेज रिवीजन ये नहीं कर रहे, तो उसके साथ उसके उसमें हमारी माने हैं उस पर ये है कि ये लोग जो है हमारा वेतन की बढ़ोतरी जो है इस 2% के टुकड़ों से शुरू की है, भीख की तरह शुरू की है। पेंशन नहीं हमारी जो है पुनरीक्षण नहीं होता, हम जिस पे रिटायर हो जाते हैं वही रहता है, तो पेंशन की पुनरीक्षण की है। पारिवारिक पेंशन की बहुत बड़ी विडम्बना है कि पारिवारिक पेंशन जब तक हम जीवित रहते हैं तो हमको तो पेंशन मिलती है, लेकिन परिवार को जो है 15% मिलती है, उसकी भी सीलिंग 9,500 है। जबकि ये अगर विधायक बन जाते हैं तो विधायक की लेते हैं, सांसद बन जाते हैं तो सांसद की लेते हैं, राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं तो राज्यसभा सदस्य की लेते हैं, और थोड़ा सा आंदोलन करके जेल में घुस जाते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन के पेंशन लेने लगते हैं। तो अब और हमारी पारिवारिक पेंशन की सीलिंग 9,500 है, अगर हम रिटायर होते हैं जिस बेसिक पर रिटायर होते हैं वही हमको बेसिक दिया जाता है। दूसरी, हमारे काम के घंटे कोई भी निश्चित नहीं है, हम सुबह जाने का तो अंगूठा लेते हैं, अगर 1 मिनट लेट हो गए तो अपसेंट मार कर देते हैं, लेकिन लौटने का कोई समय नहीं है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब बैंक के माध्यम से करते हैं, और हर हम कर्मचारियों को जो है ये बदनाम करते हैं, बैंकों को लाश में देके बदनाम करके बैंकों को ये बंद करते हैं। जिस तरह से आप लोगों को होगा कि इन्होंने पूरा BSNL बेच डाला, एयर इंडिया को पूरा बेच रहे हैं, और ये देखिए कि ये जैसे BPCL को बेच डाला, HCL को दे रहे हैं, मेल को बेच रहे हैं, ये PSU को सभी को बेचना चाहते हैं पूरी तरह से। अभी आपको होगा कि IDBI बैंक को इन्होंने दूसरे डाइवर्जन रूट से प्राइवेट करने की कोशिश की, वो किस तरह, इन्होंने LIC को उसका शेयर बेच दिया कि ये सरकारी हैं, दोनों सरकारी दोनों रहेंगी, लेकिन LIC के मैनेजमेंट के सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि जैसे ही शेयर हमारा खरीद भाव से ऊपर गया, हम पूरा का पूरा किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच के इसको टोटल प्राइवेट कर देंगे। यही ये लोग जो है मर्जर करके हमारी सभी नेशनलाइज बैंकों को इसी तरह जो है ले जा रहे हैं, और ये जो है ले जा करके किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे। अभी जिस तरह से PMC में घोटाला हुआ, ये मैनेजमेंट बड़े बड़े लोन कराते हैं, हमारे कारपोर्ट घराने में 92% NPA है। अगर हमारे 92% की वसूली हो जाए तो आज हमारी बैंक
कनाड डोजा किसी की कैपिटल माइनस में नहीं जा सकती है। तो हम ये मांग करते हैं कि कॉर्पोरेट घरानों को जो प्रेशर दिला के लोन दिलाते हैं वो सबकी वसूली होनी चाहिए, और हमारे जो है काम के घंटे तय करने चाहिए, इनको 5 दिन की बैंकिंग करना चाहिए, और जो भी सरकारी योजनाओं पे अगर काम करते हैं तो समान वेतन का, जो हमारा वेतन है, हमें पेंशन नहीं मिलती, वेतन कम मिलता है, काम का बोझ ज़्यादा रहता है, प्रेशर रहता है, मर्जर करके भर्ती नहीं करते, उन सब के लिए हम चाहते हैं कि ये हमारी जो जल्द से जल्द समझौता लागू करें, 5 दिन का वर्किंग करें। किसको ज्ञापन देना चाहते हैं, किसके लिए ज्ञापन देना चाहते हैं जी? क्या नाम है आपका? मैं हृदय कुमार वर्मा, मोस्टिव जागरण संस्थान का प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा, आज किस प्रकार का कार्यक्रम था ये? आज यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन मंच के बैनर के तले वन एजुकेशन वन नेशन के तहत जो है एक समान शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इसके बाद जो है रैली के रूप में निकालते हुए इसके पश्चात राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन दिया गया है। मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? मुख्य मांगे हमारी जो पहले तो है कि पूरे भारत में जो है एक समान जो है शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, और जो दोहरी शिक्षा है उसको तुरंत बंद कर दिया जाए। दूसरी, जो हमारे शिक्षा के लिए बजट स्वीकृत किया जाता है तो स्वीकृत जो 3% किया जाता है उसको 25% शिक्षा के लिए बजट इशू किया जाए। और तीसरा, ये जो क्या कहते हैं हमारे शिक्षा के लिए जो क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूलों में जो अलग शिक्षा है और कॉन्वेंट स्कूल में अलग शिक्षा है, इसको समाप्त करके एक समान शिक्षा लागू की जाए। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं कैलाश बौद्ध हूँ, मोस्ट जागृत संस्थान एक संगठन है, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, किस प्रकार का कार्यक्रम आज यहाँ पर था? आज सामाजिक परिवर्तन के तत्वाधान में बांदा की सरजमी पर वन नेशन वन एजुकेशन, ये संविधान के धारा 21 आ में उल्लेख है राइट टू एजुकेशन का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक समान शिक्षा के लिए जो है फंडामेंटल राइट्स दिया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। पर इसके विपरीत इस समय देश में हो रहा है दोहरी शिक्षा चल रही है, गरीबों के लिए अलग शिक्षा, अमीरों के लिए अलग शिक्षा। ये शिक्षा बंद होनी चाहिए, और अगर देश एक है तो एक प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा एक प्रकार की होती है। मुख्य मांगे आप लोगों की क्या है? हमारी मांगे यही है कि संविधान का जो आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन, उसको पूर्णतया लागू किया जाए, और जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे देश भर में लगभग 600 विद्यालय हैं और केंद्रीय विद्यालय 1100, ये नाकाफी हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। लगभग 1,00,000 जवाहर नवोदय नए विद्यालय निर्माण होने चाहिए और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इस समय क्या दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था चल रही है? शिक्षा गरीबों के लिए अलग है, प्राइमरी और जूनियर स्कूल जो सरकारी विद्यालय हैं वहां से पढ़ाई हटा ली गई है, वहां से केवल मिड डे मील रख दिया गया है, टाठी बजाओ, मिड डे मील खाओ और घर जाओ। कॉन्वेंट स्कूलों में वहां मिड डे मील लागू नहीं है, वहां पढ़ाई होती है, तो इसलिए ये दोहरी शिक्षा जो चल रही है ये बंद होनी चाहिए। पूरे देश में वन नेशन वन एजुकेशन लागू किया जाना चाहिए। आप लोग मिड डे मील का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि मिड डे मील हमारा जो जरूरी चीज है वो ज्ञान है, ज्ञान का रिलेशन जो है एजुकेशन से है, भोजन से नहीं है। भोजन अगर हमारे बच्चे अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो भोजन की व्यवस्था करा लेंगे, हमारे जो बच्चे हैं उनके माँ बाप इतने गरीब नहीं है कि भोजन नहीं करा पाएंगे, इसलिए मिड डे मील जो है एक षड्यंत्र है, हम ऐसा मानते हैं। और अगर मिड डे मील बहुत अच्छा है तो फिर कॉन्वेंट स्कूलों में भी मिड डे मील क्यों नहीं है, वहां भी होना चाहिए।